नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वर्गमूल की। वर्गमूल दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग प्लस मूल। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है और इसका अर्थ होता है उस संख्या की पावर 1/2। जैसे सपोज दैट वर्गमूल के अंदर कोई संख्या n लिखी हुई है, अगर मैं इसे घात के रूप में लिखूं तो n की पावर 1/2 हो जाए। जैसे उदाहरण लूं, मुझे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले तो दो तरीके हैं। या तो मुझे पता हो 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, यानी 4 को आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 गुणा 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 2, और इस अंडर रूट के चिन्ह की पावर होती है 1/2। तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया 2। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, पच्चीस का हम वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये 25 किसका वर्ग है। 25 है 5 का वर्ग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि ये अंडर रूट का जो चिन्ह लगा हुआ है इसकी पावर 1/2, इसका अर्थ होता है 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5। ये तो बात हुई कि बहुत छोटी संख्या है और जिसका हमें वर्ग पता है तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये संख्या ले ली, या तो हमें ये पता हो इस किसका वर्ग है। अगर पता नहीं है तो रटने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके सबसे पहले गुणनखंड काट लीजिए रफ कॉपी पे। मैं यहाँ पे इसके गुणनखंड काटता हूँ 140। पहले मैं इसमें 2 से भाग करूंगा, 2 7 14 है, 2 2 4, फिर देखते हैं 2 से कट जाएगी क्योंकि पीछे सम संख्या आ रही है, 2 3 6 और 1 5 12 हो गया, 2 6 12, फिर सम संख्या है तो 2 से फिर कट जाएगी, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18। अब ये विषम संख्या आ गई, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से देखें, 3 3 9, 3 1 3, यानी इसको आप 144 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के चिन्ह में ही लिखेंगे। कितने 2 हैं आपके पास, 1 2 3 4, 2 3 × 3, इसमें क्या करते हैं 2 2 के जोड़े बना लेते हैं और जोड़े में से एक संख्या को बाहर लेते हैं। इस जोड़ा में से ये वाला 2 आ गया, इस संख्या में से फिर एक जोड़ा आ जाएगा और इस 3 के जोड़े में से एक 3 आ जाएगा, इनका आपस में गुणा कर लिए, 2 2 4 4 3 12, ऐसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने का एक तरीका और था, अगर इसी संख्या का मैं निकालता और मुझे याद होना चाहिए कि 144 का जो वर्ग है वो किस 144 किस संख्या का वर्ग है, 12 का, 12 × 12 = 144, 12 की पावर 2 = 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और था इसे निकालने का, अगला मैं बता रहा हूं भाग विधि से। भाग विधि से अगर 144 का ही मुझे वर्ग निकालना होता, वर्गमूल निकालना होता, तो क्या करता कि पीछे से जोड़े बनाते हैं, ये नहीं बनना कोई बात नहीं है, अगर और बड़ी संख्या होती पीछे से जोड़े बनाते चले जाते। अब ये सोचेंगे कि जोड़े से अलग जो एक है ये किसका वर्ग है, एक है तो एक का वर्ग होगा, सीधा 1 लिख दिया, 1 के नीचे 1 लिखिए, लाइन खींच दीजिए आप, इसमें से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये जो संख्या लिखी है उसे यहां लिखिए और दोनों को जोड़ लीजिए। अब जैसे भाग में एक संख्या उतरती थी लेकिन यहां पे आप पूरा जोड़ा उतारेंगे, बस इतना अंतर है। अब इसका इसमें भाग दीजिए, 2 2 4 दो बार जाएगा, तो 2 यहां लिखा है तो वही 2 आपको यहां लिखना है, और अब इस 2 का इस पूरी संख्या में गुणा करके यहां लिख देना है, 2 2 4 और 2 2 4, कुछ नहीं बचा, अर्थात 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 है। एक विधि है, अब बोलो, ये बड़ी सी संख्या लेते हैं 132 25। अब इसके 2 विधि हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। जब ज्यादा बड़ी संख्या हो तो भाग विधि ज्यादा सरल रहती है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताया इधर से जोड़े बनाते हैं, 1 2 इनका बन गया 4 और 1 इसका बन गया, 1 ये बचा है, तो फिर वही करेंगे आप, 1 1 1।
फिर इस वाली संख्या को यहाँ लिख दीजिए, ये दो हो जाएगा, इसमें से इसे घटाइए, कुछ नहीं बचा, जोड़ा उतरेगा। अब दो का इसमें एक तीन भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो एक यहाँ लिखा है तो एक ही यहाँ लिखिए, तो 21 एकन 21, 32 में से 21 घटाइए, एक बचा, उतारा लिया, यहाँ पर ये 32 उतरा था, यहाँ पर ये पूरा 25 उतरेगा। यहाँ पर फिर एक वाली संख्या जोड़ेंगे तो ये हो गया 22। अब 22 में इसका भाग देंगे तो पांच बार जाएगा, पांच को यहाँ लिखा, पांच को यहाँ लिख दिया, 25 के 5, हासिल लागे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल लागा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, पूरा का पूरा कट गया, यानी संख्या का जो वर्गमूल आ गया वो हमारा आ गया 115।